हर कदम पे क्यों खड़ी है दर्द बन के मुश्किलें लम्हा लम्हा दिल के अरमान रो रहे हैं दिख रही है ना कोई मंजिलें सब बनी खड़ी हो मेरे सामने इधर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं बेटा बेटा तुमने अपने बालों का क्या हाल बनाया हुआ है ख्याल रखा करो रात को तुम बेटा मेरे पास आना मैं तुम्हारे सर में तेल की मालिश करूंगी है बेटा देखा मलिया मैंने कहा था ना अम्मी मैं से कह भी रही थी एटलीस्ट अम्मी को तो बता दो लेकिन पता नहीं इसके दिल में क्या था कि आपको बता ही नहीं रही थी बस कर दो मेरी शिकायतें करना भाई अम्मी अभी मुझे राफे ने मना किया था कि मैं इस बारे में किसी को ना बताऊं और वैसे भी मैं ये चाहती थी कि जब वो पाकिस्तान आ जाए फिर मैं बताऊं उस बारे में और आपको तो पता है मैं आप दोनों को कुछ बगैर बताए रह ही नहीं सकती क्या काम है मुनीरा क्यों बुलाया है मुझे हाँ बड़ी हमदर्दियां जताई जा रही हैं वो कल की सबीन के साथ आए क्या मतलब है तुम्हारा बीवी मत भूलो कि मैंने आपका बुरे वक्तों में बहुत साथ दिया है जब जब आपको पैसों की जरूरत थी मैंने फौरन दे दिया आपको लेकिन हमदर्दियां तो आप उसके साथ जता रहे मैंने हमेशा सच का साथ दिया और देती रहूंगी तुम्हारा सलूक सबीन के साथ अच्छा नहीं है उस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है उसके साथ इतना जुल्म क्यों करती झूठ बोलती है वो मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया मैंने तुम्हें अपने कानों से ये कहते हुए सुना कि पल भर में खुर्रम से तलाक दिलवा दूंगी ओ अच्छा मेरा शक सही था आपने ही खयाम के कान भरे है ना अगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना तुम्हारे नजदीक कान भरने के मुतरादिफ है तो हाँ मैंने खयाम को सब कुछ बताया बीबी बीबी शर्ट चल गई तुम यहाँ पे क्या कर रही हो मैंने शर्ट बीबी को इस्त्री करने के लिए दी थी कहाँ पर है वो मम्मी को अमीना जी से काम था इसलिए मैंने उन्हें बोला कि मैं शर्ट प्रेस कर देती हूँ बीच में अब्बू का फोन आ गया मैं बातों बातों में भूल ही गई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शर्ट को हाथ लगा दबाओ यहाँ से तुम आप प्लीज अमीना बी को कुछ मत कहिएगा इसमें उनकी गलती नहीं है सुनो तुम चली जाओ जाओ यहां से बस अरे नाज़रा तुम बात समझने की कोशिश तो करो ना बस मैं तुमसे ये कह रही हूं कि तुम इस रिश्ते को मना कर दो नहीं बस मैं नहीं चाहती कि मलिया की शादी उस लड़के से करूं अरे तुम आओगी तो सब कुछ बताऊंगी आराम से हाँ भी बस ये समझो कि मैंने अपनी बेटियों के लिए बहुत अच्छा सा रिश्ता देख लिया हम्म चलो ओके अल्लाह हाफिज तुमने सब रवि ये तुमने क्या किया नासरा को मलिया का रिश्ता लाने से मना कर दिया
हाला माँ, इसमें इतनी परेशान होने की क्या बात है? कुछ सोच समझ कर इनकार किया होगा ना मैंने। बेटा, अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं आते हैं। और ये तो बड़ा अच्छा लड़का था, अपने कराची का ही था, खानदान भी इसका इतना अच्छा था, और फिर मलिया जो चाहती थी कि पैसे वाला हो तो पैसे वाले भी चाहिए लो। हमेशा पैसे को नहीं देखा जा सकता खाना, अपनी बेटियों की जज्बात को भी मुझे सामने रखना पड़ेगा ना। मैं समझी नहीं तुम क्या चाह रही हो। बस मैं नहीं चाहती कि नासरा के लाए हुए रिश्तों में से मेरी बेटियों की शादी। अब मैंने सोच लिया कि मैं मलिया और मदिया के लिए खुद रिश्ता ढूंढूंगी। और वैसे भी जब भी नासरा रिश्ता लाई है, मैं देखा नहीं मलिया को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बेटा, इसमें नासरा का क्या कसूर है? उसने तो अपना काम अच्छी तरह से अंजाम दिया ना। अब ये मुनीरा ने मलिया की जगह अगर सबीन को पसंद कर लिया तो उसमें तो उसका कसूर नहीं। सबीन की वजह से भी शादी हो गई है, तुम उसे भूल जाओ, खत्म करो बातचीत। मैं उसे बहुत पहले भूल चुकी हूँ, बहुत पहले अपने दिल से निकाल चुकी हूँ। उसने तो कभी मेरे दिल में अपनी जगह बनाई ही नहीं। मेरी बेटी का हक है, उसने कभी खुश नहीं रहेगी। इसी बात ना करो बेटा, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये आसमान से उतरते हैं। दुनिया में रिश्तों की कमी नहीं, अच्छे लड़के बहुत मिल जाएंगे हमारी मलिया मदिया के। अच्छा खाला माँ, अपनी बेटियों के रिश्तों के सिलसिले में ना मुझे आपके मशवरों की जरूरत नहीं। बेहतर यही होगा कि आप इतना ना सोचा करें। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अमीना भी वो। सही से बताओ बेटा, क्या हुआ है? मुझे ख्याम भाई की शर्ट जल गई। क्या? अबू का फोन आ गया था और मैं उसे बात करने बाहर चली गई। बातों बातों में ध्यान नहीं रहा, मैंने ख्याम भाई के शर्ट पे इस्त्री छोड़ दी। कोई बात, मैं ख्याम से बात करती हूँ, तुम जाओ अपने कमरे। नहीं अमीना भी, अगर आप उनके पास जाएंगे वो बहुत गुस्से में आपको मेरी वजह से उल्टा सीधा सुना देंगे। अरे नहीं बेटा, खयाम मुझे कुछ नहीं कहता, तुम फिक्र न करो, जाओ अपने कमरे, परेशान मत, जाओ। सभी से बात होने के बाद अब मैं बहुत खुश हूँ अम्मा। वो वाकई मेरा वहम था, सबीन तो बहुत खुश है वहाँ, अपनी सास की बहुत तारीफ कर रही। अल्लाह का शुक्र है, मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला से यही दुआ करती कि मेरी सबीन सारी जिंदगी इसी तरह से खुश रहे। दुआ कीजिए अम्मा। अच्छा मैं चलता हूँ, दुकान भी खोलनी है चलकर। बेटा मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी अम्मा बोलिए। बेटा वो जो कल नासरा मलिया के लिए एक लड़के का रिश्ता लाई थी जो यही कराची में रहता, बहुत अच्छा रिश्ता था। अरे हाँ हाँ, वो कह रही थी कि उसके वालिदैन भी हमें मिलने आ रहे हैं। नहीं बेटा, अब वो लोग कभी नहीं आएंगे। क्यों? राबिया ने नासरा को रिश्ता लाने से मना कर दिया है। किस लिए? वो कहती है कि मलिया और मदिया का रिश्ता वो खुद तलाश करेगी। पागल हो गई है वो, मैं बात करता हूँ उससे। बेटा परेशान ना, गुस्सा ना करो, अभी इस वक्त रहने दो, शाम को आना ना, आराम से बात कर लेना। वैसे ये राबिया का रवैया रोज बरोज बदलता चला जा रहा है अम्मा, ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे। खैर अच्छा अम्मा, मैं चलता हूँ। क्या करें, कैसे करें? खयाम बेटा, मेरी बात सुनो बेटा, सबीन से गलती हो गई, उसे माफ कर दो। बीबी मेरे कमरे में आने की इजाजत सिर्फ और सिर्फ आपको है, और आप जानती हैं मैं अपने सारे काम सिर्फ आपसे करवाता हूँ, क्योंकि मुझे किसी और पर एतबार नहीं है सिवाय आपके। इस घर में रहने वालों की खसरे को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और ये सबीन भी उनमें से एक ही है। बेटा सबीन उन जैसी नहीं है, अभी नहीं है ना, धीरे धीरे सब सीख जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, आइंदा कोई गलती नहीं करेगी।
मैं उसकी तरफ से तुमसे माजरत करती हूँ। बीबी एक तो आप हमेशा दूसरों की गलतियां अपने सर ले लेती हैं, और प्लीज मुझे माफी मांगकर शर्मिंदा ना करें। हाँ बोलो। मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं पहुंच रहा हूँ, तो फिर बार बार फोन क्यों कर रहे हो तुम? अगर वो लोग इंतजार नहीं कर सकते ना, तो उनसे कहो दफा हो जाए यहाँ से फौरन। दीदी मैं जरा चलूँ। अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखो, जाओ अल्लाह की। बैठे बैठे प्लीज बैठे। सॉरी जी मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। सो लेट्स गेट ऑन विद द मीटिंग देन। अमीना भी, श्याम भाई का गुस्सा कम हो गया होगा ना? ना वो आके मुझे बहुत डांटेंगे। सुबह तो जल्दी जल्दी में वो चले गए थे। अरे बेटा अभी तक तुम वही बात सोच रही हो। मेरे खयाम के नजदीक ये बहुत छोटी बात है, अभी तक तो भूल भी गया हो। बीबी बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। एक बार इसी तरह खयाम भाई की शर्ट मुझसे खराब हो गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे एक अल्फाज नहीं बोला। ऊपर से तो वो बहुत गुस्से वाले नजर आते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही नर्म हैं। इसमें कोई शक नहीं, मेरा खयाम बेटा बहुत अच्छा। बस नौशाबा के इंतकाल के बाद थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन बाद में जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती गई उस पर, न सिर्फ उसने खुद को संभाला बल्कि घर के तमाम लोगों की सरबराई भी बखूबी अंजाम दी। पता है भाभी, जब जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, खयाम भाई ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, कुछ भी कहे बिना मेरी मदद की। और सिर्फ मेरी ही नहीं, इस घर के जितने भी लोग हैं ना, उनको जब जब खयाम भाई की जरूरत पड़ी, उन्होंने अपना फर्ज बखूबी निभाया। और खुर्रम, खुर्रम किसी के लिए कुछ नहीं करते क्या? खुर्रम भाई यहाँ होते ही कब हैं? जो वो दूसरों की मदद करेंगे, उनको तो अपना काम अजीज है। और वैसे भी मैंने उनको कभी भी दूसरों के लिए कुछ करते नहीं देखा। जिस तरह खयाम भाई सबकी मदद करते हैं, इस तरह मैंने कभी भी खुर्रम भाई को करते हुए नहीं देखा। बेटा इसका ये मतलब हरगिज नहीं था, तुम उदास मत हो ना। तुम तो जानते हो खुर्रम ज्यादातर अमेरिका में रहता कारोबार के सिलसिले में। तुम्हारी शादी से पहले भी वो बहुत यहाँ कम आता था, इसलिए यहाँ के लोगों से उसका ताल्लुक कम ही है। लेकिन मुझे यकीन है खयाम की तरह खुर्रम का दिल भी बहुत हमदर्द और नरम होगा। तभी तो तुम दोनों की जोड़ी अल्लाह ने बनाई है। तुम भी बहुत ख्याल करने वाली प्यारी लड़की हो माशाल्लाह। शुक्रिया मीना जी। जाओ तुम बर्तन धो, बातें बनाने बैठ गई, बातें भरमा लो बस। जाओ मैंने तुमसे कुछ पूछा है क्या? नासरा को तुमने मना किया है कि रिश्ते ना लाए? जी। क्यों? इसी के मैंने सोच लिया कि अपनी बेटियों के रिश्ते मैं खुद ढूंढ लूंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? ये तुम्हारा काम नहीं है, ये काम नासरा का है। देखो कितना अच्छा रिश्ता उसने अरेंज करके दिया है सबीन का। मलिया और मदिया का रिश्ता भी वही करेगी और बहुत अच्छे तरीके से करेगी। मुझे अब उस मकार औरत पर बिल्कुल भरोसा नहीं। पहले उसने मेरी मलिया को कितना बेइज्जत किया है लोगों के सामने। आपको क्या पता है कि मलिया पर क्या गुजरती है जब इस तरह रुकावट आते हैं उसके रिश्तों पर?
पहले ही आपकी सबीन उसके नसीब खा चुकी है। अब बस मैंने सोच लिया है कि अपनी बेटियों के रिश्ते में खुद ढूंढूंगी। एक तो पता नहीं क्यों तुम सबीन को बीच में ले आती हो हर बात के। भाई उसका रिश्ता खुर्रम से होना उसके नसीब में लिखा था और नसीब का लिखा कोई टाल नहीं सकता। मदिया और मलिया भी मेरी बेटियां हैं, मैं चाहता हूं कि उनकी शादी अच्छी से अच्छी जगह पर हो। आपने जो करना था ना आप कर चुके और अब मैंने फैसला कर लिया है। अपनी बेटियों की जिंदगी के फैसले मैं खुद करूंगी और आपको बीच में बोलने की इजाजत नहीं है। खुर्रम भाई यहाँ होते ही कब हैं? उनको तो अपना काम अजीज है और वैसे भी मैंने उनको कभी भी दूसरों के लिए कुछ करते नहीं देखा। हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकते। आप तो अपने से जुड़े हुए रिश्तों को बाखूबी निभाना जानते हैं। जब आप यहाँ थे मेरी हर जरूरत पूरी किया करते थे, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी आपने, जिंदगी की हर खुशी दे दी आपने मुझे। अब आप मुझसे बहुत दूर है, मैं आपको बहुत याद करती हूँ खुर्रम, प्लीज जल्दी से वापस आ जाए आप। क्या हुआ अम्मी, तक जाग रही हैं आप? इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? क्या सौखात, मरियब्बा ने तो मुझे पागल करके रख दिया। एक ही सवाल करते रहते हैं कि नाशो को मैंने क्यों मना किया रिश्ता लाने से। बेटियां हो तुम दोनों की, फिक्रमंद रहते हैं, कब तक मैं टालती रहूंगी। तुम राफी को फोन करो और उससे कहो जल्दी पाकिस्तान आए ताकि तुम्हारी शादी की बात की जाए। अम्मी इसीलिए मैं आपको राफे के बारे में कुछ नहीं बताती थी क्योंकि मुझे पता था कि आपको मेरी शादी की कितनी जल्दी है। राफे इतनी जल्दी पाकिस्तान नहीं आ सकता, वो अपना काम संभालता है वहाँ। और अभी उसने अपने घर वालों को भी कुछ नहीं बताया हमारे बारे में। किस किस्म का प्यार है भाई? बस तुम राफे से कहो कि वो अगर तुम्हें वाकई चाहता है तो पाकिस्तान आए जल्द अज जल्द और अपने माँ बाप से बात करे ताकि तुम्हारी मंगनी तो की जा सके। अम्मी आप मेरे मामले में ना ही पड़े तो अच्छा है। अगर आपको इतनी जल्दी है ना शादी की तो आप मदीहा की शादी कर दें। अच्छा है नासा को बुला ले, अबू का मुंह खुद ही बंद हो जाएगा। मलीहा तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम मुझसे बड़ी हो, पहले तुम्हारी शादी होगी फिर मेरी शादी होगी। तो फिर अम्मी से बोलो कि चुप हो जाए, जब राफे आएगा पाकिस्तान तो हो जाएगी हमारी शादी भी। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। अम्मा सही कहती है, बहुत बिगाड़ दिया मैंने तुम दोनों को।